क्रूड ऑयल स्टेबल चल रहा है ठीक है सो so, अभी बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की डॉलर इंडेक्स देखोगे सो आफ्टर अ गुड अप मूव पूरा जो अपसाइड मूव आया था सारा नीचे आ गया ठीक है सारा एकदम नीचे आ गया अभी क्या देख सकते हैं हम डॉलर रुपी को देखना सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है फॉर डॉलर ऊपी लेवल्स को थोड़ा गैप अप हुआ ठीक है, डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाया यहाँ से नीचे आ क्या? But एक चीज आप नोटिस करो, It is halting near these levels, okay? 79, levels के के लेवल्स आसपास रुक रही है चीज चाहे नीचे आके भी रुक रही हो यहाँ के रुक रही है सो वॉट वी कैन ऑब्जर्व कि जब भी ऐसे इंटरेस्ट रेट के डाटा ये सारी चीजें आती है ना वॉलेटाइल मूव होती है बट वी कैन सी एट द सेम टाइम प्रोबेबली जो वीकली एक्सपायरी है वो अपनी जगह पे ही हो जाती है जहां चल रही होती है सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक रेंज में ही क्लोज हो जाएगा ठीक है डॉलर रुपये एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सी जब भी कोई इवेंट होता है ना बड़ी मूव्स आती हैं एंड साइडवेज में क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता कि अच्छा आ गया तो सिर्फ ऊपर जाएगा बुरा आ गया तो सिर्फ नीचे जाएगा वॉलेटिलिटी दोनों साइड आएगी और रह न्यूट्रल जाता है बहुत बार होता है ऐसा ठीक है So, अभी देखते हैं इसका क्या प्लान है हमारा यूएसडीएनआर का अगर ये कल फ्लैट खुलता है देन तो आ, आराम से अपन आ, ये रेंज मेंटेन रखेंगे सेवेंटी नाइन सिक्सटी से लेके एंड सेवेंटी नाइन तक की रेंज को एक बार आराम से ऑब्जर्व करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं इसके बीच में ट्रेड करेगा तो अभी देखते हैं अगर इसके ऊपर कहीं ओपन होता है देन ये ऊपर की तरफ निकलता है या नीचे की तरफ रेंज में दोबारा आता है ठीक है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे अगर रेंज में दोबारा आता है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है देन uh, के लिए शॉर्ट करेंगे एंड नीचे कहीं uh, हमको दिखता है तो देन डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स का स्टांस यूएसडी एनआर पे मेंटेन हम रखने वाले हैं जो कि हम लोग मेंटेन रखेंगे ओके सो दैट इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर यूएसडी आई नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन आर

मिल रहा है क्या स्ट्रक्चर बन रहा है जो हाई है वो नीचे आ जा रहे जो लो है इसके साथ अगर कंफर्टेबल नहीं है ना नो no प्रॉब्लम इसको हटा दो ये लगा दो ठीक है सिंपल रखो चीजों को अभी देखते हैं देखो अगर ब्रेकडाउन आता है देन ये जो लेवल्स है ना फिफ्टी एट ट्वेंटी इसके नीचे हम शॉर्ट चले जाएंगे ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है ये स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है देन ओनली हम लोग लॉन्ग जाएंगे अदरवाइज अवॉइड कर देंगे साइडवेज मूव रहेगा राइटिंग इसमें होती नहीं तो देन यू कैन अवॉइड ठीक है खास कोई स्ट्रक्चर लग नहीं रहा अभी जेपीआई में गैप अप गैप डाउन में अगेन ये साइडवेज हो जाएगा सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एन आर की बात कर लेते हैं फटाफट से यू कैन सी कि यहाँ आके देखो जो लेवल्स है हमारे गैप वाले गैप पे आके हॉल्ट कर रहा है यहाँ रुक गया अभी क्या देखना है इसको अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है देन एक अच्छा मूव आ सकता है लाइक फॉर फिफ्टी पॉइंट फोर्टी पॉइंट्स का एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं बट ब्रेकआउट अच्छा हो देन अच्छे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे गैपअप ही ठीक है अभी यहाँ से रिवर्स हो रहा है अगर फॉलोअप नहीं आ रहा ठीक है एंड अंदर घुस गया है तो हम शॉर्ट भी जा सकते हैं शॉर्ट का टारगेट रहने वाला है सेवेंटी फोर नाइनटी फोर सेवेंटी फाइव ओके छोटा टारगेट है ये टारगेट रहने वाला है ओके okay. बाकी हम एक्सपेक्टिंग कल साइडवेज uh, मोमेंटम हो सकता है जीबीपी आईएनआर में भी अभी बात करते हैं यूरो आईएनआर की यूरो आईएनआर एन एम एक्सपेक्टिंग के uh, देखो आज कैसा था बहुत वॉलेटाइल मूव्स थी कोई ट्रेडेबल सेटअप इतना खास नहीं था बट uh, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी ठीक है रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली देन ब्रेकआउट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी मिली नहीं बट एक चीज देखो आपको ऑब्जर्व करनी है अगर कल गैप अप होता है इन पे ठीक है यहाँ पे अगर कुछ बियरिश बनाता है देन शॉर्ट जा सकते हैं इसके ऊपर निकलता है देन ट्राई करेंगे लॉन्ग जाने की फ्लैट ओपनिंग पे वेट करेंगे कुछ नहीं करेंगे गैप डाउन ओपनिंग पे अगर आज का लो तोड़ता है देन शॉर्ट के लिए जा सकते ठीक है टिंगी अभी आपने देखा होगा बट अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है ठीक है यहाँ पे पायरिटी है बट uh, काफी चल रहा है ठीक है अभी अगर ये अंदर घुस हम देख सकते हैं कल एक बार साइड वेज एक्शन अगेन हो जाएगा वॉलीटाइल मूव देगा कहीं पे इंटर दिखते हैं यहां से ऊपर निकलता है सो येट एड फॉर द प्लान Uh, main focus will be on USD INR and Euro INR for tomorrow. So, let's see you in the market tomorrow. Have a wonderful day, guys.